अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं बाग देसी विलेज और मैं हूँ आपका दोस्त साजिद खान। एक दफ़ा फिर आज गांव में और यहाँ हमारे यहाँ खैरियत है, तो आपको पहले वहाँ ले चलता हूँ। पहले आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, कौवे और मौसम ज़बरदस्त ही, आवाज़ें सुन रहे होंगे। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरे मामू का रकबा है, तो इन्हें हमेशा से ही शौक़ रहा है फार्म में। मतलब यहाँ आपको हर दरख्त मिलेगा, इसमें आप कैसे अंगूर से लेकर माल्टे तक हर दरख्त यहाँ पे है। ये देखें पीछे उनके जानवर वगैरह, तो आए अब आपको उधर ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह काम कर रहे हैं। मुझे मैंने तो वीडियो बनाने खड़ गया हूँ, उन्होंने कहा काम करवा लो। मैं कह जी मैं वीडियो बना लूँ, आता हूँ आपसे काम भी करवाता हूँ। चलते हैं अभी जी, काम भी करवाते हैं, गपशप भी लगाते हैं। ये देखें जी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मेरे मामू का फार्म है। तो माई कज़न सरदार साहब मेरे मेरी वीडियो ना बनाना, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। ये माशाल्लाह स्कूल टीचर भी हैं और आज छुट्टी है, तो अपने घर के काम वगैरह भी सारे करते हैं। देखें जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था जी, ये खरायत हो रही है जी हमारे आसपास। अब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। ये कसाईयों के जी आई जी हैं जी, सरदार शबीर खान चांडिया साहब, और ये दूसरे भाई बैठे हुए हैं। आई डोंट नो, इनका मैं नाम तो जानता नहीं हूँ। एक का मुझे नाम का पता है, एक को शबीर खान कहते हैं, दूसरे बंदे का पता नहीं है। वो कहते हैं जी मेरी जो शनाख्त है उसको खुफिया रखा जाए, तो फिर यूट्यूब की पॉलिसी भी यही है, जो खुफिया रहना चाहता है उसको खुफिया ही रहने दिया जाए। उस्ताद शबीर, कितने अरसे तू काम करे ना यार? तू 21-22 साल हो गए, नहीं फट्टा लाया है या बस तरते फिरते हैं? हाँ जी, इनका फट्टा है जी नहर के नीचे। कौन सी नहर, वो भी बता दें। मुजफ्फरगढ़ कैनाल के साथ है जी इनका फटा। तो साजी वो नहर के साथ कौन लेने आता है गोश्त आपका? अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये शबीर भाई है, मेरे कजन भी हैं और मेरे फर्स्ट उस्ताद भी हैं। मुल्तान में अगर मैं किसी को काम सीखाऊं तो ये इनकी मरहून मिन्नत है। मेरे पहले पहले उस्ताद मोहतरम भी यही हैं। चले अभी ये कुछ कर रहे हैं, जैसे फिर वर्णियाँ तकसीम होती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी दोस्तों, आप परेशान हो रहे होंगे, यकीनन परेशान हो रहे होंगे। मैंने वीडियो बनाई थी और इसका आखिर हिस्सा मैं यही देना चाह रहा हूँ कि वो घर में खराय थी, तो वीडियो भी मैंने आपके बनाई थी, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो भी आपको दिखाना था। हुआ यूँ कि जब वो गोश्त वगैरह बना रहे थे तो मैंने जाके उस सुबह नाश्ता किया था, फिर वहाँ लेटा हूँ तो मुझे नींद आ गई थी। जब मैं उठा हूँ तो ऑलमोस्ट वो मुझे वैष्णो उठाया था असर की नमाज के लिए, तो उस वक्त सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। तो सॉरी टू से कि मैं आपको वो हिस्सा नहीं दिखा पाया, और इसलिए माजरत भी, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखें अभी किसी चीज़ से ना वो बंदा थोड़ा सा पीछे हट जाए तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप मुझे समझें कि इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि लेवल बेस्ट के मैं अच्छा कर सकूँ। और मैंने अब सोचा है कि मैंने यूट्यूब पर वर्क करना है और आपको करके दिखाना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।